पंजाब और दिल्ली की एक बहुत फेमस रेसिपी जिसे हम छोले और भटूरों के नाम से जानते हैं, यह रेसिपी पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ विदेशों में भी बहुत फेमस है। स्वाद में बहुत जबरदस्ती होने वाली यह रेसिपी बनाने में उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड होती है। आज हम भी छोले और भटूरे बनाएंगे। भटूरों को बनाने के लिए हम किसी भी तरीके के बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या फिर यीस्ट का यूज नहीं करने वाले, और छोलों में हम पिंडी छोले बनाएंगे क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ बहुत जबरदस्त लगता है। इसलिए आप प्लीज वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, मेरा आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। छोले भटूरे में हम भटूरा बनाने के लिए 5 कप मैदा में 1 कप सूजी मिलाएंगे। अब हमें इस मिक्स को मट्ठे या छाछ के साथ मार लेना है और इसका एक नरम सा डो तैयार कर लेना है। ध्यान रहे, हमको पानी का यूज नहीं करना और मट्ठा खट्टा होना चाहिए। और दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको जितना हो सके उतना अच्छे से इसकी गुथाई करनी है, इससे भटूरे एकदम फूले फूले और फल्फी बनेंगे। डो तैयार होने के बाद हमको इसे एक गीले कपड़े से ढककर 7 से 8 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर छोड़ देना है। इधर मैंने काबुली चने को 8 से 10 घंटे पहले पानी में भिगोकर रख दिया था। अभी इसे कुकर में डाल देते हैं और फिर इसमें 2 से 3 गिलास पानी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच चाय की पत्ती को सूती कपड़े में बांधकर इसमें डाल देंगे। चाय की पत्ती से छोलों पर कलर आ जाता है। अभी प्रेशर कुकर में 4 से 5 सीटी देकर हमको छोलों को बॉईल कर लेना है। यह देखिए, लगता है छोले कुछ ज्यादा ही बॉईल हो गए, शायद 1 सीटी कम लगवानी थी। चलिए अब कर भी क्या सकते हैं। छोलों को फ्राई करने के लिए मैंने 1 कढ़ाई में 2 चमचे कुकिंग ऑयल को गर्म किया है। अब इसमें 2 तेजपात के पत्ते, 2 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा डालकर फाइनली चॉप्ड 3 मीडियम साइज के प्याज को डाल देना है। और अब इसे फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। अब फटाफट से पिंडी छोले मसाला बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए एक गर्म पैन में मैंने 1/2 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, 5 साबुत लाल मिर्च, 2 लौंग, 7 से 8 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 4 हरी इलायची, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 1 छोटा सा टुकड़ा दगड़ फूल का और 1/2 चम्मच से भी कम कसूरी मेथी डालकर इन सभी मसालों को अगले कुछ सेकंड तक धीमी आग पर भूनेंगे। ध्यान रहे, मसाले बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए। मसाले भुन गए हैं और मैंने इसका बारीक पाउडर बना लिया है। ये देखिए, हमारा छोले मसाले तैयार हैं। इधर हमारी प्याज ब्राउन हो गई है और अब मैं इसमें 2 चम्मच लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देता हूँ। इसे अच्छे से चला लेते हैं और मीडियम आग पर अगले कुछ सेकंड तक लहसुन को पकने देंगे। चलिए अब इसमें 4 से 5 तरतरे पिसे हुए टमाटर को डाल देते हैं। इसे एक बार चला लेते हैं ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाए। और अब इसमें स्वादानुसार नमक डालकर इसे अगले 7 से 8 मिनट तक मीडियम से स्लो फ्लेम पर इसको ढककर पकाएंगे। ये देखिए, टमाटर एकदम नरम हो गया है और ऑयल भी धीरे धीरे ऊपर आने लगा है। इस समय हमको इसमें 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और 1/2 चम्मच काला नमक डालकर एक बार चला लेते हैं। और अब हमको इसमें छोले वाला मसाला डाल देना है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब जरूरत के हिसाब से इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे बॉईल होने तक पकाएंगे। जैसे ही ग्रेवी बॉईल होती है हमको इसमें बॉईल किए हुए छोले डाल देने हैं और फिर इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर अगले 15 से 18 मिनट तक मीडियम आग पर पकाएंगे।
छोलों को पकते हुए लगभग 20 मिनट हो गए हैं और हमारे छोले खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। भाई छोले तो रेडी हो गए हैं और अब हमको फटाफट से भटूरे बना लेने हैं, जिसका डो हमने लगभग 10 घंटे पहले तैयार कर लिया था। भटूरों के लिए एक नॉर्मल साइज के पेड़े को लेकर हमें उसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाना है। और अब इसे भटूरे की शेप में बेल लेना है। तैयार भटूरे को गर्म तेल में उतार देते हैं। और देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये भटूरा फूल रहा है ना, यह एकदम बाजार वाला भटूरा। यह भटूरे पूरी तरीके से रेडी हैं, अब हमको इसे फटाफट से निकाल लेना है। चलिए अपनी छोले और भटूरों की प्लेट भी तैयार कर लेते हैं। आशा करता हूँ यह रेसिपी आपको पसंद आएगी। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अमेजिंग रेसिपी आप तक पहुँचती रहे।